इतिहास के मुताबिक बीजेपी 39 बसंत पार कर 40वें साल में कदम रख चुकी है, लेकिन बीजेपी नेता काफी देर तक इसी बात में उलझे रहे कि आखिर बीजेपी की उम्र क्या हुई है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आखिर पार्टी का जन्म कैसे और कब हुआ। पार्टी ने अपनी पार्टी के इतिहास के पन्नों को पलटने की जिम्मेदारी दिल्ली की राजनीति में सबसे बुजुर्ग नेता कहे जाने वाले विजय कुमार मल्होत्रा को दी। मल्होत्रा जी ने अपने 20 मिनट के भाषण में बताया कि पहले 39 सालों में कैसे जनसंघ से बीजेपी का जन्म हुआ। जब मल्होत्रा जी बीजेपी के इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे, उस वक्त कई नेता मंच पर नींद के हचकोले भर रहे थे। जनसंघ की स्थापना हुई उसकी एक पृष्ठभूमि है, बहुत बड़ी, कि उसकी स्थापना क्यों हुई और उसकी स्थापना जितना ये हॉल है, ऐसे ही एक हॉल में रघुवर कन्या पाठशाला यहाँ पर है, उस हॉल में उसकी स्थापना हुई। डॉक्टर मुखर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे और उसके बाद लगातार जनसंघ लगातार चलता था, परंतु बीच में एक समय ऐसा आया जब जनसंघ का विलीन जनता पार्टी में कर दिया गया। इमरजेंसी लग गई थी, भीषण स्थिति थी, लाखों लोग जेल में डाल दिए गए थे और उसके कारण ऐसा भीषण अत्याचार हुए थे कि अटल जी ने उस समय कहा कि जब प्रलय आती है तो जो बचे खुचे सब लोग हैं उनको नाव में बिठाकर बचाने का काम होता है और हम लोग मिलकर के एक पार्टी बनाकर इसको बचाने की कोशिश करें, तो जनता पार्टी बन गई, जनसंघ उसमें शामिल हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, कुछ देर के लिए कांग्रेस पार्टी अलग रही थी पर बीच में आ गई, कांग्रेस वो होती थी वो भी उसमें शामिल हो गई और ये सब पार्टियां मिलकर के एक जनता पार्टी का गठन हुआ। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल और राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि वो झूठ फैलाने का काम करते हैं, जबकि मोदी सरकार सकारात्मक सोच के साथ देश को तरक्की की राह पर ले जाने में काम कर रही है। दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के लागू न होने पर बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर मार्च किया था। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है सदस्यों के अनुसार, एमपीज, एमएलए सब कुछ देख लीजिए, और हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी के मूल उद्देश्य को रोज एक कदम बढ़ के उसको प्राप्त करने में लगा है। हमारा मूल भाव अंत्योदय है, सबसे अंत में बैठे हुए व्यक्ति खड़े हुए व्यक्ति तक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की रोशनी जाए, हम उस पर सफलता से आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का बहुत गौरव समय चल रहा है, लेकिन ये शिखर नहीं है। हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि भारत के गौरव का भाजपा के साथ हो रहा श्री गणेश है, मगर शिखर अभी शेष है। मौजूदा दौर में बीजेपी अपने युवा दौरे से निकलकर बुजुर्ग अवस्था के दौर की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि मौजूदा वक्त की बीजेपी अपने ही बुजुर्ग नेताओं से किनारा भी कर रही है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।